राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ 15 इंच की राधा रानी का प्यारा सा लहंगा। जैसे कि लहंगा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा है, ये नेट का फैब्रिक है और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी सी मिरर वर्क की है। तो इसी के लहंगे का लुक बहुत प्यारा सा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसी के से। तो इस लहंगे के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि नेट का फैब्रिक है और यहाँ पे ये मिरर वर्क है और यहाँ पे इस तरह की बूटियाँ भी है बीच बीच में। और यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। थर्ड लेयर का लहंगा मैं आज इस वीडियो में आपको बनाना बताऊँगी ईजी तरीके से, राधा रानी का लहंगा कैसे बनाया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए लहंगा बनाना शुरू करते हैं। आइए अब मैं आपको राधा रानी के लहंगे का माप बताती हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नेट का ये फैब्रिक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए नेट का फैब्रिक है। इस पर जो यहाँ पर देखिए इस तरीके मिरर वर्क का यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आपको दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से इसमें हम लहंगा बनाने जा रहे हैं, तो लहंगे का जो माप है मैं आपको बताना चाहूँगी इसको, इस तरीके से जो इसे हमें लेंथ लेनी है, यहाँ से जो लेंथ लेनी, क्योंकि हमें नीचे से कटिंग नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन है यहीं से हम इसको माप लेंगे और ऊपर तक इस तरीके से मापेंगे। हमें 9 इंच पूरा तैयार चाहिए। और इस तरीके से जो हमें घेरा लिया है, घेरे के लिए मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से मैं लेना स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से जो हमने घेरे का माप लिया है आपको डिज़ाइन में दिखाई देगा, ये देखिए 25 इस तरीके से हमने घेरा लिया है। देखिए इसका डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको स्टिच कैसे करेंगे, इसके नीचे हम अस्तर लगाएंगे। अस्तर कैसे लगाएंगे मैं आपको बता दें, जो सेम हमने फैब्रिक आपको ये दिखाया इसी का फैब्रिक का सेम अस्तर लेंगे बराबर बराबर। ये 9 इंच का लेंगे और ये हम 25 इंच का अस्तर लेंगे। तो देखिए इस तरीके का नीचे हमें इसके नीचे लाइनिंग लगानी है, ये बहुत ही सुंदर सी प्यारा सा डिज़ाइनर का फैब्रिक है। तो इस तरीके से हम नीचे अस्तर लगाएंगे, इसके नीचे भी हम अस्तर लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस तरीके से। ये देखिए व्हाइट कलर का, क्योंकि व्हाइट का हमें लुक देना, तो बहुत ही हैवी सा हम लहंगा बना रहे हैं राधा जी का। इसकी जो हमें यहाँ पर कटिंग आपको दिखाई दे रही शेप, ये मैंने काफ़ी मैं वीडियोज़ में बताया हुआ कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। ये अम्ब्रेला कटिंग होती है, तो जो इसकी लेंथ है, लेंथ हम इस तरीके से देखिए यहाँ से ये 9.5 इंच है। 9.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से हमें ये देखिए 9.5 इंच इस तरीके से इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसी को फोल्ड भी करना है। इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से मैं आपको एक बार यहाँ से भी मैं आपको बताती हूँ, जो इसकी हमने चौड़ाई ली है, ये देखिए 11 है, तो मतलब ये 11.5 इंच है, तो यानी कि 23 इंच टोटल। जो कमर है यहाँ से देखिए, कमर के यहाँ से हमने जो लिया है, यहाँ देखिए कमर की जो ली है इस तरीके से, ये देखिए 5 इंच यानी कि 10 इंच। तो देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इस तरीके से इसकी घेरा, ये घेरा काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए फोल्डेड है, तो ये घेरा हो गया। ये व्हाइट कलर का यहाँ पे लहंगा बनाने जा रहे हैं, तो ये नेट का फैब्रिक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से। आइए इसको स्टिच कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया क्योंकि हमें पहले एक अस्तर लगाना है। ये देखिए एक अस्तर लगा, इस तरीके जो हमें लाइनिंग लगानी है इसको इसके साथ में सेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरा बराबर बराबर है, ये देखिए पूरा इस तरीके से बराबर है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये अलग सी है, इसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से बराबर पकड़ने के बाद यहाँ से इस तरीके से प्लीट्स तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ से प्लीट्स तैयार करनी है और यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए फोल्ड करना। तो ये काम हम पहले करेंगे, ये बाद में करेंगे। तो आइए पहले मैं प्लीट्स तैयार करी थी, फिर आप यहाँ पर से नीचे से फोल्ड करूँगी। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको प्लीट्स तैयार करनी है, तो प्लीट्स से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, तभी आसानी से क्या होगा हम प्लीट्स को तैयार कर पाएंगे। तो पहले मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ, फिर बाद में प्लीट। देखिए देख रहे हैं कुछ इस तरीके से घेरा तैयार हो गया, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया और यहाँ से भी इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद और प्लीट्स तैयार कर लिया। इस तरीके से इतना काम करने के बाद, जैसे मैंने एक अस्तर और दिखाया था जो कि लाइनिंग मुझे एक और लगानी, जो कि अम्ब्रेला कट था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी उसको कैसे स्टिच करना है। तो आइए मैं पहले वो लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये व्हाइट कलर का यहाँ पर इस तरीके से जो मैंने अम्ब्रेला कट किया था, इसको भी मैंने मुझे यहाँ पर स्टिच करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको भी नीचे से हम फोल्ड करेंगे, पर इसको भी नीचे से फोल्ड कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है।
तो देखिए इस तरीके से जो हमारा हमने अम्ब्रेला वाला कट किया था का फैब्रिक, तो हमने यहाँ पे नीचे से इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए जो हमारा ये वाला घेरे वाला था, इसको घेरे को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से साइड से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये साइड से इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे इसको उल्टी साइड से इस तरीके से, इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट देंगे। तो आइए पहले सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ हमने सिलाई कैसे लगाई है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से यहाँ पे ये जो लास्ट वाला हमने अस्तर को भी स्टिच कर दिया, जो हमने अम्ब्रेला कट किया था इस तरीके से, इस पर ये सेकेंड लेयर का किया और ये थर्ड लेयर हमने इस तरीके से सभी को हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया। स्टिच ये देखिए साइड से इस तरीके से हमने स्टिच किया, ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से, और यहाँ क्योंकि इसकी सिलाई अंदर चली गई है फिर हमने इसको पलट दिया। और ये देखिए यहाँ से भी हमने इसको ज्वाइंट कर लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लीट्स डाल के इस तरह के चुनर डाल के प्लीट्स डाल के हम यहाँ पे घेरे को तैयार करें। तो ये हमें अपने राधा जी के कमर के अकॉर्डिंग आइए नेफा स्टिच करते हैं। तो इसमें नेफा कैसे स्टिच करेंगे, ये देखिए मैंने व्हाइट कलर का फैब्रिक कट कर लिया नेफे के लिए। नेफे के लिए जैसे मुझे रखना है यहाँ पर नेफा, ये देखिए ये मुझे 7 इंच का नेफा रखना है। जो एक्स्ट्रा साइड थी हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये 2 इंच की यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच का है। तो इस 2 इंच की पट्टी को इसका हम कैसे स्टिच करेंगे, नेफे के लिए यहाँ पर नेफे के लिए इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। यहाँ से इस तरीके से स्टिच करेंगे हम यहाँ पर पहले एक सिलाई लगाएंगे पूरा पूरा और साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करते हैं यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो आइए नेफा स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे लहंगे में नेफे को स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है लहंगे के लुक में, आपको दिखाई थी फाइनली कितनी सुंदर लग। तो ये देखिए राधा रानी का लहंगा कितना सुंदर और कितना प्यारा बनकर तैयार हो गया। इस तरीके का लहंगा आप घर पर भी अपनी राधा प्यारी के लिए लहंगा बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।